बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं आपका शेफ मरातब अली। आज मैं हाज़िर हूं एक नई रेसिपी के साथ और आज हम बनाएंगे हिरन कढ़ाई। कैसे बनती है तो चलिए आएँ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहां मेरे पास कढ़ाई है, इसमें हमने ऑयल इस्तेमाल किया है। ये देखें, ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो जो हिरन का गोश्त है, इसमें फैट नहीं होता बिल्कुल, ये जैसे कलेजी होती है वैसे होता है ये, और जल्दी तैयार हो जाता है, इसको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता। आहिस्ता आहिस्ता हम सारा डाल देंगे। इसमें हमने सिर्फ नमक इस्तेमाल करना है अभी, और तकरीबन 10 मिनट इसको जो है ना तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करनी है। ये देखें माशाल्लाह, बिल्कुल कलेजी की तरह मीट होता है, इसमें फैट नहीं होता बिल्कुल बिल्कुल, इसका जो गोश्त है रोटी ऐसी होती है। देखें, नमक इस्तेमाल किया हमने, नमक भी कम इस्तेमाल करना है क्योंकि ये थोड़ा सा नमकीन होता है गोश्त, और नमक हमने कम इस्तेमाल करना है इसमें। देखिए माशाल्लाह, तकरीबन 10 मिनट बुनाई के बाद इसमें हमने टमाटर और प्याज का मिक्सर जो है, तीन टमाटर हैं और प्याज जो ग्राइंड करके इसमें डाल दिया मैंने। इसके अंदर अभी हम क्रश चिली इस्तेमाल करेंगे और हल्दी इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो हल्दी है और 1 टेबलस्पून क्रश चिली इस्तेमाल की है। इसको हमने तकरीबन 10 मिनट तेज़ आंच पे दम लगाना है। दम लगाने के बाद ये देखें, अभी हमने इसकी बुनाई करनी है अच्छी तरह से। इस चूल्हा पे नीचे तेज़ रखना है। यहाँ पे तकरीबन 100 ग्राम जो है मक्खन इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, 50-50 ग्राम के 2 पीस हैं मेरे पास, और इसके साथ इसमें हम ब्लैक पेपर और धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर दोनों इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, ये ज़ीरा पाउडर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। अभी इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है हमने। इसको ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता, जितना आप इसको पकाएंगे ये हार्ड हो जाएगा। मीट हमारा तैयार है। इसमें अभी हम थोड़ा दही इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन 3 खाने के चम्मच जो है दही फेंट के आप डाल दें और अच्छी तरह से पकाएं इसको, जिससे चूल्हा जो है आपने तेज़ रखना है। देखिए माशाल्लाह, कढ़ाई हमारी तैयार है। मैं बूटी दिखाता हूँ आपको, ये देखें बिल्कुल कलेजी की तरह है और बहुत ही ताकतवर मीट होता है ये। इसके साथ ही मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह निगहबान।